टीवी इंडिया 18 में हम आज बात करेंगे शिवम श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य मिर्जापुर। बात करते हैं सर, आपका टीवी इंडिया 18 में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम भी आपका स्वागत करते हैं कि आज आप हमारे बीच में हैं। सर, हम आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे, जैसे जनपद मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी अपने पांचों विधानसभा पे अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है, तो आप हमको ये बताएं कि सर मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी की सीटों के क्या प्रदर्शन रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी एनडीए के साथी पूरे मिर्जापुर के पांच के पांचों विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और हम मजबूत स्थिति में हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री हैं, वो पाँच साल जनता के बीच रहे, हमने जनता के बीच काम किया है। इस जनपद में सोचिए पूरे पूरे 24 घंटों में लाइट जो है 8 घंटे 7 घंटे मिला करती थी, आज जिला मुख्यालय को 24 घंटे, ग्रामीण इलाकों में 22 घंटे बिजली आती है। तो हमने काम किया है जनता के बीच, हमने रहकर हमारे जो प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, उन्होंने काम किया है, जनता की हर समस्या को अपनी समस्या समझकर उस पर काम किया है गंभीरता के साथ, और पुनः हम जनता के बीच में चुनाव में हैं और हम फिर पांच की पांचों विधानसभा जीतने का काम करेंगे। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कई विधानसभा क्षेत्रों में आपके गठबंधन की भी चुनाव हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरा की संयुक्त रूप से चुनाव चल रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को दुष्परिणाम भी झेलना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी 2017 में राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ये गठबंधन करके आए थे, हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हम 350 के ऊपर सीटों के साथ आए। 2019 के चुनाव में ये राष्ट्रीय पार्टी मायावती के साथ इनका गठबंधन था, बहन जी के साथ था, बहुजन पार्टी के साथ था, तो भी हम पूरे बहुमत के साथ केंद्र में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमने अच्छी खासी सीटों पर बढ़त बना के हम सदन में पहुंचने का काम किया। तो ये गठबंधन कहीं धरातल पर नहीं है और इनसे हमारी कोई चुनौती नहीं है। सर, ये बड़े मजबूती के साथ आप ये कह रहे हैं। सर, ये भी बताएं आप कि किस बुनियाद पर इस बार भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, आप आगे क्या करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर के जन समुदाय के लिए क्या करेगी, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आप बुनियाद की बात कर रहे हैं, इससे पहले 70 सालों में सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस रही और विपक्ष की सरकारें रही, पर आप सोचिए कि इस देश के अंदर हमारी सरकार जब 2014 के अंदर आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प हुआ, उन्होंने इतनी दूर तक सोचा कि हर घर घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया। सोचिए, इतने दिनों तक ये विपक्ष की सरकारें थी, ये लोगों को शौचालय नहीं दे पाए, लोग गैस के बिना किस तरीके से गैस के लिए लोग लाइन लगाते थे और ग्रामीण इलाकों में गैस मतलब बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। हमारी सरकार आई तो हमने इस चीज़ों पर सोचा और उसे जनता तक पहुंचाने का काम किया। तो इसी तरीके से हमारे विजन होंगे, हम आने वाले समय में इस देश के अंदर इस जनमानस को एक नए हाईटेक तरीके से उनको सुविधा देने का प्रदान सुविधा देंगे, जिस तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, पुनः हमारी सरकार बनने जा रही है और हम इसी ऊर्जा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। सर, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी प्रश्न है, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान समय में जो कोरोना के क्राइसिस हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मार्केट की स्थिति जो है इस वजह से महंगाई है, इसे हम आपके चैनल पर भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसे जल्द ही हमारी सरकार इस पर काम कर रही है, जल्द ही हम इसे दूर करेंगे, क्योंकि कोरोना भारत में ही नहीं पूरे विश्व का मसला था और इससे पूरा विश्व आहत हुआ है, पूरे विश्व को परेशानी हुई है, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ही क्राइसिस है, उस कारण थोड़ी सी महंगाई है और आने वाले समय में हम जल्दी इसे भी दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।